हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेसा देवी बिंद ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा धान छाड़ पूरी तरह बहुत चरेगा, वहाँ तक पहुँच पाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। फिर चलते हैं, बच्चा कब से हमारा चिल्ला रहा है चारा के लिए, तो चलते हैं उसके पास। फिर वहीं से चलेंगे, दिखाते हैं कि कितना चारा है। खेत में स्नान कर दिया है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे सूरन कितना सुंदर जम रहा है। हम लोगों ने बोया, ये सूरन है दोस्तों, देखिए दोस्तों यही दूब घास है जो हमने ताल में दिखाया है। अब ताल से निरावन होकर आता है तब गोरू हो जा रहा है। भैया दोस्तों, ये लेके चलते हैं भैंस के। आ रहे हैं दोस्तों, चलते हैं वहाँ पे, देखिए ऊपर ही कैसी हटाते हैं, खराब हो गई है। बारिश से पूरी तरह से खराब हो गई दोस्तों, और गया है देखिए। कितना हरा हरा उड़द हुआ है, ये जमा था देखिए, बड़े बड़े हो गया है देखिए, इस तरह ऊपर ही में जमा हुआ। उस दिन दिखाए थे हम, सब खराब हो गई ऊपर। देखिए दोस्तों हम आगे यहाँ पे, यहाँ मंदिर है शंकर भगवान का दोस्तों। यहीं आते हैं हम लोग सावन का पूजा करने, या फिर व्रत रहते हैं। और यहाँ पर हमारा खेत है दोस्तों, देखिए यहाँ साढ़ चरा हुआ है, साढ़ का पैर पड़ा हुआ है। उधर ताल मिली लगा और यहाँ पे साढ़ धरे 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 दोस्तों चरे हैं। चल इस तरफ चलते, इस तरफ दिखाते हैं वहाँ से पूजा। देखिए दोस्तों ज़्यादा करेंगे,
काल में लीलगा खराब करें, ऊपर वार में जो है दोस्तों साढ़ साढ़ जो छुटे हैं ना, देखो वहाँ पे घास उधर नहीं इधर नहीं है, पूरा इधर इधर धरे धरे चले गए। देखिए दोस्तों ये मदार है हमारे खेत के सामने, कितना सुंदर फूला हुआ है मदार। मदार बहुत काम में आता है दोस्तों, इसका फल जो होता है एक फूल, इसे दवा काम आती है दोस्तों दमा वालों को। इतना हम लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, साल में लीलगा देखिए साल किस तरह से पूरा खेत हमारा बर्बाद किया है। देखो पूरा ऐसे चरा हुआ है, पनख रहा है देखिए, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ दिखाए पूरा यहाँ से वहाँ तक, यहाँ भी पूरा यहाँ से वहाँ तक, इस तरफ दिखाते हैं कहाँ कहाँ के नुकसान किया है। चलो बहरहाल हमने पहुँच गए अपने खेत में, हम तो सोचे नहीं आ पाएंगे लेकिन आगे दोस्तों, और धान तो अच्छा है देखने में पूरा दिखाई। देखिए दोस्तों ये हमारा दांड है, हमारे चाचा का खेत है हमारा है, और देखिए कितना सुंदर इस समय 8:30 हो रहा है दोस्तों, लेकिन देखिए ओस कितना सुंदर ओस है, बूंद 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 अभी जरा नहीं है, बादल किए हुए हैं थोड़ा थोड़ा, धान भी कर रहे हैं, धूप भी हो रहा है दोस्तों, बादल भी है और धान तो अच्छा, लेकिन दरे 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 ये साढ़ देखो यहाँ पे चर लिया है, दरे दरे खटिया दो खटिया सकता है। दोस्तों यहाँ हमारा है 12-13 बीसा खेत है, पतला है दोस्तों, इधर बेहन ऊपर रहा है, सब गांव वाले ऊपर रहे हैं, वहाँ पे धान खराब हुआ है क्या हो सकते हैं, देखिए पास आइए तो रोग लगा हुआ है धान का, देखिए धान बैठा हुआ है इस तरह से, देखिए इसे बैठा कहते हैं हम लोग कि अगर ग्रोथ ना करे, थोड़ा मुरचा मुरचा पास दिखाइए, इसमें मुरझावा रोग लगा है दोस्तों, इसे मुरझावा रोग कहा जाता है, देखिए पीला पीला देखिए इस तरह से, और छोटा छोटा है ज़्यादा ग्रोथ नहीं करे, वहाँ देखिए मुरझावा लगा हुआ है दोस्तों, हमारे धान में लगा मुरझावा दोस्तों। मुरझावा रोग कहा जाता है दोस्तों, देखिए दौड़ धूप के हम हर दर थोड़ा आप लोग भी टिका देते हैं, बाकी हम लोग आते हैं देखने, देखिए मुरझावा रोग लगा, इसका दवा पड़ेगा दोस्तों, इसका जो मुरझा लगा हुआ है तो नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ पे पाइप लगा हुआ था इसलिए धान यहाँ का बह गया है, देखिए उतने दूर धान हमारा नहीं है, पूरा तरह से पानी तेज से जब बहाव करता है धान बह गया, जब लगा था उसी समय दोस्तों इस तरह से बह गया धान, पूरा गड्ढा हो गया यहाँ पे, और धान तो बहुत चरे हुए हैं, अब चलते हैं दोस्तों। देखिए एक बार हमने बेल दिखाया था, इसमें पत्ता नहीं था दोस्तों, इस समय सावन चल रहा है तो पूजा पाठ के लिए पत्ता देखिए किस तरह तैयार हो गया है, आपको दिखाए थे हम तब नहीं था। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, बाय दोस्तों।